तो लिखा है इसमें नूतनायाम प्रथमायाम, नूतनायाम यानी नवीन नई नई प्रतिमा के सन्मुख बैठोगे जपत्वा देवता सानिध्यम भवती, या तो तुम देवताओं के पास पहुंच जाओगे या सभी देवता आपके सामने आए। इसलिए भजन करने का आनंद है देव प्रतिमाओं के सामने किया जावे, तो देवता मंदिर से उठकर आपके पास आके बैठ जाते हैं, ऐसा उपनिषद में लिखा है। और वो बात मैं आपको बोल रहा हूँ, नूतनायाम प्रतिमायाम जपत्वा देवता सानिध्यम भवती, देवता आपके नजदीक आके बैठ जाते हैं, आप देवताओं के पास जाके बैठ जाते हैं। देव प्रतिमाओं के सामने बैठकर यदि कोई स्तोत्र पढ़ते हैं आप, या कोई आप जप करते हैं, या तो आप भगवान के पास होते हैं, भगवान आपके पास होते हैं, ऐसा उपनिषद में लिखा हुआ है। तो जहां भी आप रखते हैं अपने रहते हैं, आप अपने मंदिर में, भले ही आप प्रदेश में यात्रा में हो, अपने मंदिर में शिवलिंग रखो, सालराम रखो, कोई देव प्रतिमा रखो। देव प्रतिमा के पास जप तप करने से हजारों गुना जप का प्रभाव तत्काल बढ़ जाता है, बिल्कुल देर नहीं लगती, हजारों हजारों गुना। आपको आदत ज्यादा है, आप बेडरूम में जप करते हैं, आप बिस्तरे पर जप करते हैं, आप ऐसी कुछ व्यवस्था करें, घर में मंदिर बनाएं, छोटा सा मंदिर बनाएंगे बामे तुमको बिठाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे बामे तुमको बिठाएंगे, तुमको बिठाएंगे तुमको बिठाएंगे तुमको बिठाएंगे तुमको बिठाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे बामे तुमको बिठाएंगे। आपका घर कितना भी आलीशान है, यदि उसमें मंदिर नहीं है तो सब बेकार है। छोटा सा एक मंदिर भगवान का बनाइए और उसमें बैठकर भगवान का जप कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, क्योंकि नूतनायाम प्रतिमायाम जपत्वा देवता सानिध्यम भवति। घर की प्रतिमाओं के सामने बैठकर आप भजन करते हैं तो आप भगवान के नजदीक होते हैं, भगवान आपके सानिध्य आपके करीब होता है, ऐसा इस उपनिषद भगवती महात्म्य में वर्णन है। और प्राण प्रतिष्ठायाम जपत्वा प्राणानाम प्रतिष्ठा भवति, इसमें लिखा है उपनिषद में लिखा है प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में बैठकर उस प्रतिमा के सन्मुख बैठकर भगवान का जप करने से जिंदगी में कभी भी किसी की अकाल मौत नहीं हो सकती, उस व्यक्ति के प्राण स्थिर हो जाते हैं प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में भगवान का जप करने से। ये लोग पगले नहीं थे सो धरती में इतने प्राण प्रतिष्ठित मंदिर लोग बनवा के चले गए। ये उपनिषद का सूत्र कितना गड़ा हुआ है, लिखा है प्राण प्रतिष्ठायाम जपत्वा प्राणानाम प्रतिष्ठा भवति, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में देव प्रतिमा के उस सन्मुख बैठ करके जो भी कोई भजन करता है, नाम लेता है परमात्मा का, देवी देवताओं का नाम लेता है, उनके प्राण स्थिर हो जाते हैं, उनके प्राणों के ऊपर कोई आफत नहीं आती। किसी अच्छे महापुरुष से साधु से जुड़िए और उसकी सानिध्यता में बैठकर उनसे मंत्र लीजिए। आपके आसपास जो भी कोई देव मंदिर है, कभी आप बिहारी जी जाते हैं और कहीं मंदिर जाते हैं, इतना टाइम लेकर के जाइए, हनुमान जी के मंदिर जाते हो तो इतना समय लेके जाइए, 2 मिनट शांति से बैठ करके आप एक हनुमान चालीसा उनको सुना दें, हड्डियां वज्र की तरह हो जाएंगी।